तो आगे का यार नजारा देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार ये बीच में। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर किया है दो गोभी पराठा चेहरा पूंजी के लिए। चेहरा पूंजी यहाँ पे है, डॉकी यहाँ के लिए है। खींचने दूंगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ओ भाई नीचे साफ 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 एक खासी सॉन्ग सुनेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हमारा दिन है जो कि 8 डे में अभी भी हम हैं शिलोंग में। और शिलोंग में कल रात को भी हमने स्टे किया था, मतलब कि शिलोंग में हमें 2 दिन हो गए हैं रहते हुए। कल हमने सब कुछ दिखाया आपको शिलोंग में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे क्या क्या प्लेस है यहाँ देखने के लायक। आज हम जा रहे हैं चेरापूंजी और डॉकी, दो जगह है जो आज हम कवर करेंगे। बाकी हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सैडल बैग अपने बिल्कुल लग चुके हैं। मोटो भाई अपना कैरी कर रहा है लगाने में, क्या भाई रात को बढ़िया नींद आ गई ना, तो बैग वैग सब लगा दिए हैं मोटो भाई ने। अभी अकेला है मोटो भाई, सब कुछ अकेले कर रहा है क्योंकि पतलू भाई निकल गया है, जोधपुर पहुंचने वाला है आज। मैंने आपको विला दिखाई दिया था, ये अपना विला है, बहुत ही बढ़िया विला है, रेट भी सही है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, हमारे नाम को लेकर आते हो यहाँ, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। बस अभी ये रेडी हो चुके हैं, बस अभी हम निकलते हैं फिर चेरापूंजी के लिए और रास्ते में रुक के कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, भूख भी लग रही है यार सीरियसली। अभी निकलते हैं बाहर और फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं बिल्कुल पैकिंग वैकिंग करके, बिल्कुल रेडी होके। मोटू भाई भी निकल चुका है, अभी हम पहुंचेंगे चेरापूंजी के लिए। अभी मौसम का हाल जो है बहुत ही मस्त मौसम हो रखा है, टाइम हो गया है 8 बज गए हैं और 8 बजे भी मौसम देख सकते हो आप, जैसे कि बारिश वाला मौसम हो रखा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश आएगी। अभी सुबह जब उठे थे हम 6 बजे, उस टाइम हल्की हल्की धूप भी निकल आई थी और बढ़िया लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज धूप निकलेगी कड़क वाली, पर ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कि कड़क वाली धूप निकलेगी, उम्मीद ऐसी लग रही है कि यार शायद बारिश हो सकती है। तो अभी हम निकलते हैं शिलोंग से बाहर चेरापूंजी के लिए। तो आगे का यार नजारा देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार, ये बीच में पिंक बिल्डिंग और पीछे पहाड़, जबरदस्त व्यू लग रहा है। और यार ऊपर से भूख भी लग रही है कि रात को कल मैंने ना जल्दी खाना खा लिया था और सो गया था, अभी जब सुबह उठा तो एकदम पीछे पेट में ना चूहे कूद रहे हैं जोरदार वाले, कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ खिलाओ वरना हम भी मर जाएंगे। तो बस अभी जल्दी से हम करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर हम निकलेंगे चेरापूंजी के लिए। पहले कहीं अच्छा सा देख ले यार ढाबा या रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना बढ़िया हो, परांठा वराठा एक आधा खाएंगे, परांठे को फेंकेंगे हम पेट के अंदर और फिर चूहों को भी शांत करेंगे, अपने आप को भी शांत करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यार जो रास्ता है चेरापूंजी जाने के लिए कितना मस्त रास्ता है यार ये, और सड़कें देख लो यार ऑसम यार, और कितनी हरियाली लग रही है और बढ़िया लग रहा है यार यहाँ पे बाइक चला के भी। बाकी यहाँ पे यार शिलोंग में यार एक बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता यार कि कौन सा रास्ता 1 वे है कौन सा रास्ता 2 वे है, क्योंकि जो गूगल आंटी है ना ये हमें ना गलत रास्ते पे ले जाती है कभी कभी, गूगल आंटी को पता नहीं चलता कि ये रास्ता 1 वे है कि 2 वे है, तो वो अपनी तरफ से तो शॉर्टकट दिखाना चाहती है पर शॉर्टकट के चक्कर में हम मर जाते हैं यार। तो शुक्र है वो तो हमारा चलान नहीं कटा अभी तक, वरना तो हमारा चलान भी कट जाता यार। तो 2 बार ऐसे चांस हो गया अभी चेरापूंजी जाते जाते कि शिलोंग से बाहर निकले और शॉर्टकट के चक्कर में गूगल ने ना हमें 1 वे रास्ते में घुसा दिया और वहां के लोगों ने हमें बताया कि भाई 1 वे है मत जाओ आगे चलान कट जाएगा। तो ये हाल है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे अगर आप आते हो तो भाई गूगल आंटी के अकॉर्डिंग चलो, बट थोड़ा सा लोगों से पूछते हुए चलाओ, पूछते चलो कि भाई कौन सा रास्ता 1 वे है कौन सा रास्ता 2 वे है। चलो अभी निकलते हैं हम चेरापूंजी के लिए। अभी हम आए हैं गार्डन रेजिडेंसी रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस, खुला है गाइस देख सकते हो, रेस्टोरेंट है ये बहुत बढ़िया वाला और जो हाईवे पे बना हुआ है चेरापूंजी के रास्ते में। अभी चलते हैं अंदर क्योंकि हमने इनसे ये इसलिए पूछा कि खुला हुआ है क्योंकि एक दो जो है यहाँ पे आसपास वो है बंद पड़े हुए हैं, अभी ये फिलहाल ये खुला है। तो अभी नाश्ता करते हैं, अंदर जाते हैं ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद फिर निकलेंगे हम चेरापूंजी के लिए। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर किया है 2 गोभी पराठा, 1 सैंडविच। तो भाई ने सैंडविच ऑर्डर किया है और मैंने किया है 2 गोभी पराठा और 2 चाय। वैसे चाय थोड़ी सी कॉस्टली है, मतलब कि 40 रुपीज़ की है, बट ठीक है यार अभी आगे पता नहीं हमें खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने सोचा ये बेस्ट रेस्टोरेंट है तो यहीं पे हम खा ले क्योंकि और बाकी 2-3 देखें वो बंद पड़े हुए हैं और यही केक खुला हुआ है। तो गाइस फाइनली 10 मिनट की वेट करने के बाद अपना पराठा आ चुका है और पराठा यार साइज़ देखो यार काफ़ी बड़ा है और मैंने कर दिए 2 ऑर्डर, तो पता नहीं खाया जाएगा कि नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, अभी मोटू भाई है वो उसने अपना सैंडविच कंप्लीट कर लिया है, अगर मैं से नहीं खाएगा तो मैं उसको दे दूंगा, वो खेलेगा फिर ये पराठा। तो अभी खाते हैं। तो
तो गाइस अपने पेट की भी होगी पूजा और चूहों को भी, पेट के चूहों को भी शांत कर दिया है, क्योंकि आपको दिखाया था यार परांठा, वो परांठा नहीं था यार, वो परांठा था, इतना बड़ा परांठा। और मैंने बाय फॉल्ट मैंने दो ऑर्डर कर दिए थे परांठे और मेरे से खाए नहीं गए, मोटू भाई ने फिनिश किया। तो अभी हम निकल चुके हैं चेरा पूंजी के लिए। अरे यार भाई मैप लगा लिया जाए। तो गाइस अभी यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है चेरा पूंजी का, वो दिखा रहा है 40 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा। तो आराम से अब बिना रुके नॉन स्टॉप हम खींच देंगे चेरा पूंजी के लिए। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो पे और मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और अभी निकलते हैं अपनी मंजिल चेरा पूंजी। सामने देखो भाई जबरदस्त नज़ारा, ये होती है इनकी यहाँ पे खेती, मस्त छोटे छोटे हिस्सों में ये खेती करते हैं। तो आप देख ही सकते हो ये पूरा बना हुआ है, आगे आगे का नज़ारा देखो और सामने बादल, तरफ लग रहा है कि बारिश होने वाली है क्योंकि बादल बीच बीच में काले हैं और नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है और रास्ता देख सकते हो यार कितना औसम है चेरा पूंजी जाने के लिए। सड़कें बिल्कुल साफ है, कोई खड्डा वड्डा कुछ नहीं और ट्रैफिक भी आराम से मस्त चल रहा है, कोई जाम वाम नहीं लगा हुआ। और मोटू भाई रुक गया है अपना कैमरा ऑन करने के लिए और अभी मोटू भाई हमारे पीछे रह जाएगा। आ जा भाई। तो गाइस जैसे कि मैं चेरा पूंजी जाने के रास्ते में हूँ, तो यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, हैं? चेरा पूंजी जाना अभी तो चेरा पूंजी यहाँ पे है, डॉकी यहाँ के लिए है। ठीक है ठीक है, दो रास्ते कटते हैं, एक ये रास्ता जाता है सीधा डॉकी को तो, और ये दूसरा रास्ता जाता है सीधा चेरा पूंजी के लिए। तो अभी हम निकलेंगे चेरा पूंजी के लिए और वापस आते हुए हम सीधा जाएंगे फिर डॉकी के लिए। तो निकलते हैं अभी, मोटू भाई की मैं वेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ कि मोटू भाई कहीं यार आगे ना निकल जाए डॉकी के लिए, तो इसलिए उसकी वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम निकले दोनों इकट्ठे। तो देखते हैं कहाँ पे रह गए, मोटू भाई काफी पीछे रह गए यार, ये तो यार ये बाइक बड़ी स्लो चलाता है यार सीरियसली। और यहाँ का जो नज़ारा आप देख सकते हो यार इतना बढ़िया है ना, धूप इतनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, शिलोंग से निकले थे वहाँ से भी और यहाँ तक अच्छी खासी ठंड है। तो अपना मोटू आ चुका है, इधर से निकलना है चेरा पूंजी के लिए, ये रास्ता चेरा पूंजी के लिए। रुक कहाँ गए थे, फोटो खींच रहे हो गए? तो ये रास्ता चेरा पूंजी और डाउकी। हाँ चेरा पूंजी नजदीक है, चेरा पूंजी यहाँ जाना है। चलो तभी मैं यहाँ रुका था, मैं कहीं यहाँ से निकल जाए। तो चलो भाई अपना मोटू भाई आ गया है, रास्ते में रुक गया था व्यूज वगैरह की फोटो खींचने के लिए, अभी हम निकलेंगे चेरा पूंजी के लिए। यार व्यू देखो ऑसम, मस्त लग रहा है यार, मस्त सीरियसली। चल मोटू भाई। तो यहाँ पे लोग कुछ रुके हैं फोटोग्राफी करने के लिए और कुछ यहाँ पे भुट्टे वगैरह भुने जा रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए, पेट पूजा के लिए लोग खड़े हैं यहाँ पे और कुछ व्यूज लेने के लिए खड़े हैं। और यहाँ का व्यूज दिखाता हूँ मैं, क्या जबरदस्त है यार, ऑसम व्यू ये देख सकते हो यार सामने। चलो गाइस हम भी यहाँ पे रुकते हैं और एक आधी फोटो खिंचवाते हैं। तो ये देखो यार सामने क्या लग रही है यार, मस्त यार जन्नत। तो गाइस मेरी वीडियो देख के यार आपको भी लग रहा होगा यार एक बार तो जरूर आना चाहिए यहाँ पे, सीरियसली बनता है यार आना। मौसम भी बहुत औसम हो रखा है, धूप वगैरह निकली हुई है और बढ़िया लग रहा है, हल्की हल्की ठंड है धूप से और मजा आ रहा है। तो अभी हम बाइक लगाते हैं वहाँ पे सामने और फिर निकलते हैं। लो भाई वीडियो आगे आ गए, ठीक है ना। हाँ पर एक बात है, बाइक पे फोटो तभी खींचने दूंगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। खिंचवा लो खिंचवा लो, ठीक है ठीक है। भाई पैर देखना पैर जरा, हाँ रुको मैं गियर डाल देता हूँ, पीछे नहीं जाएगी। अब करेगा एक, हाँ पर वहाँ का ब्रेक लगा देना जरूर। हाँ। बस अभी एक बारी सारी इधर आ जाओ, फोटो खींचते लेना ठीक है। हाँ
ऐसी ट्राइब होती है वो जुड़े हुए यहाँ पे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छे हैं, तो ये दीदी हैं, तो इनसे एक खासी सॉन्ग सुनेंगे हम लोग। तो दीदी पहले अपना नाम बताइए। नाम युपिता। युपिता युपिता ओके 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 सेवन माइल। और दीदी की शॉप में हमने पानी वानी पिया है और अभी दीदी से रिक्वेस्ट की है एक सॉन्ग सुनने की। कोई भी सुना दो, कोई भी सुना, जो दीदी आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा चलेगा। अरे अरे इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, कुछ भी सुना दो। तो आपके हमको तो अरे इसके लोग इतने अच्छे लगते हैं ना, हम तो मतलब बहुत सुना है कि इधर से लोग बहुत मतलब हेल्पफुल होते हैं, काइंड होते हैं। तो एक शर्मा में शर्मा में हम छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं। बोलो सुना दो सुना दो सुना दो। हाँ हाँ एक छोटा छोटा सुना दो। नहीं थोड़ा सा सिर्फ वन मिनट का लाइन, वन मिनट का लाइन, वन मिनट। तो गाइस जैसे कि यार दीदी थोड़ा शर्मा रही है कैमरे के आगे, तो कोई बात नहीं, चलो फिर भी इनकी वीडियो हमने शूट कर ली है और इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो अभी हम बस अभी निकलते हैं चेरापूंजी के लिए। बाय बाय, अभी हम चलते हैं आगे चेरापूंजी। ओके बाय। अपना दिल्ली के मैंने की दस तो नाम केड़ा? राणा प्रताप बाग। अच्छा शक्ति नगर यूनिवर्सिटी दे नेड़े। हाँ जो दिल्ली दे, दिल्ली दे आपस से मिलते ना कितने होर जगह दे ते यार ना बच जाता है। दिल्ली च मिलेगा बंदा कोई परवाह नहीं करता। चलो ठीक है सर, मिलेंगे अगे। तुम चेरापूंजी जा रहे हो? चेरापूंजी जा रहे हो? शिलोंग जाओगे? शिलोंग होटल रुकना है? कोई देखे होटल? अच्छा चलो ठीक है सर, हाँ जी गुवाहाटी से दिल्ली। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी हम रास्ते में रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि चेरापूंजी के आगे पता नहीं ये पेट्रोल पंप इधर पहला ही है बस, और इसके आगे नहीं मिलेगा है आगे क्या, तो इसलिए रिस्क न लेते हुए हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पे डलवा लेते हैं। तो वैसे भैया बोल रहे हैं कि आगे होगा पेट्रोल पंप, बट हमने रिस्क नहीं लिया तो इसलिए यहाँ पे हम टैंक फुल करवा रहे हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे चेरापूंजी के लिए। तो अपनी बाइक में टैंक फुल हो चुका है, गाइस यहाँ का कुछ व्यू इस तरीके का है जैसे हम चेरापूंजी पहुंचने वाला हूँ। 16 मिनट का रास्ता रह गया सिर्फ चेरापूंजी के लिए, और यहाँ का व्यू देखो यार, ऑसम यार ऑसम, सीरियसली कितने बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी अलग कंट्री में आ गए हैं, जैसे स्विट्जरलैंड टाइप इस तरीके का कुछ मुझे फीलिंग सी आ रही है यहाँ पे। मस्त लग रहा है यार, सीरियसली ऐसा लग रहा है यार बस यहाँ पे कहीं घर ले लो जैसे वो घर है, और यहाँ पे बस रह लो जैसे आगे की लाइफ, बस यही निकालो एंजॉय करो, खूब अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ पे, हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पे आके, सीरियसली कह रहा हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है यार, आप लोगों को यार मेरी वीडियो देख के इतना अच्छा लग रहा होगा, और सोचो कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं ये सब चीजें देखने के लिए। तो अभी हम पहुंचते हैं सीधा चेरापूंजी, 16 मिनट का रास्ता है और 9 किलोमीटर का और डिस्टेंस रह गया है, तो अभी चलते हैं सीधा चेरापूंजी। और तो गाइस अभी हम रास्ते में चेरापूंजी के रास्ते में अभी यहाँ रुके हैं, यहाँ हमें एक चीज दिख गई है जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक पहाड़ी सी है, वहाँ चलते हैं हम पहाड़ी के ऊपर और मैं दिखाता हूँ वहाँ पे तीन गुफाएं बनी हुई है, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए। अभी मैं चलते हैं हम दोनों, ये मोटो भाई भी रुक गया यहाँ पे, वो सामने है तीन गुफाएं बनी हुई है, तो पता नहीं किस चीज की बनी है, वहां जाके पता चलेगा, पहले चलते हैं वहां पे देखते हैं। चले भाई यहाँ से, चले यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये हम आ चुके हैं इस पहाड़ी पे, और यार यहाँ आते आते ही सांस फूल गया, सांस फूल गया। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे है पहाड़ी, और नीचे देखो यार पानी सारे इकट्ठा हो रखा है, और वो बता रहा था मैं सामने कोई गुफा है, तो फिलहाल वहाँ चलते हैं वहाँ देखते हैं क्या है। गाइस ये हम आ चुके हैं बिल्कुल गुफा के पास, तो एक्चुअली ये गुफा जो बनी हुई है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ कुछ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, जैसे यार वो हमारी होती है ना बद्दरपुर, घरों में काम आती है बद्दरपुर बनाने के, तो ये वो निकाली जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे गुफा देखो अंदर, वो कितना ठंडा हो रखा है, सीरियसली जबरदस्त लग रही है यार, अंदर से खतरनाक लग रही है। हाँ वो भाई अंदर आते आते देखो,
हाँ अंदर अंदर चले अंदर अंदर नहीं नहीं साफ सुफ तो नहीं होगा खैर गजब की गुफा आ रही है यार यहाँ पे तो लाइट जलाओ लाइट मोबाइल की अबे कहाँ गए अपन ओ भाई नीचे साफ 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 आए यार प्रिंस भाई साफ नहीं है तो क्या ये भाई रस्सी पड़ी हुई है शायद अबे यार तुम भी यार ना सही में फट्टू हो यार अरे यार रस्सी है हाँ रस्सी है यहाँ पे कैसे आ गई हैं वो भगवान कसम मुझे लगा कि सांप है यार हाँ डर गया मोटा भाई डर गया तो गाइस देख सकते हो यार दूर से लग रहा था कुछ इंटरेस्टिंग है वाकई में इंटरेस्टिंग है अंदर बहुत बहुत खतरनाक गुफा है और ये देख सकते हो यार ऊपर पूरी पहाड़ी है पहाड़ी के अंदर पूरी गुफा बना रखी है और यहाँ से बजरी निकाली जा रही है ये सामने देख रहे थे बजरी ये सारी बजरी है जो पहाड़ों को काट काट के निकाली जा रही है चलते हैं अपने मिशन को आगे करते हैं चेरापूंजी के लिए तो निकलते हैं हम सीधा अपनी बाइक की तरफ तो यार इंटरेस्टिंग था ना अंदर की गुफा सीरियसली और मोटा बाइक की तो फट गई तो चलो भाई अभी निकलते हैं हम अपनी बाइक के पास और रास्ता काफी नजदीक है चेरापूंजी का मुश्किल से 12 से 15 मिनट का रास्ता और रह गया बस सिर्फ निकलते हैं तो गाइस अभी हम पहाड़ी से निकल चुके हैं यार सीरियसली मोटू भाई की तो लग गई थी यार डर गया था मोटू भाई वो रस्सी पड़ी हुई थी रस्सी को सांप समझ बैठा और खुद की तो हालत खराब हुई मेरी भी साथ में कर दी तो अभी हम निकल चुके हैं वहां से चेरापूंजी के लिए मौसम सडनली थोड़ा सा चेंज हो चुका है ऐसे लग रहा है कि यार कभी भी बारिश आ सकती है तो आप देख ही सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया नजारा है तो निकलते हैं चेरापूंजी तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चेरापूंजी